अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप मेगा मेन्यू बना सकते हो, वो भी एलिमेंटर के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना वर्डप्रेस का बैकएंड लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद एलिमेंटर इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि मैं ये आपको मेगा मेन्यू जो बनाना सिखा रहा हूँ वो एलिमेंटर पे बनाना सिखाऊंगा, ठीक है जी। अब आपको करना क्या है, कोई भी आप हेडर ले लो। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टेम्पलेट पर जाता हूँ। टेम्पलेट पर जाने के बाद यहाँ पर मैं थीम बिल्डर पर चले जाता हूँ। यहाँ पर मैं अपना एक हेडर बना लेता हूँ, एड न्यू पर क्लिक किया और मैं एक हेडर बना लेता हूँ, क्योंकि मेगा मेन्यू जो आता है वो हेडर के अंदर ही आता है। तो आप अगर चाहें तो पेज में, पर्टिकुलर पेज पे भी अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। ये करने का मैं क्रॉस कर दूंगा क्योंकि हमें कोई भी इसमें से वर्जन यूज़ नहीं करना। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद एक सेकंड, आपको कॉलम कौन सा चाहिए आपने वो चूज़ करना है, ठीक है जी। आपको फुल वेट चूज़ करना है, आपको हाफ चूज़ करना है, वो आपके ऊपर है। एक सेकेंड, ये देखो, ये देखें, ये आ गया। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक कॉलम ले लिया। कॉलम लेने के बाद मैंने यहाँ पे मेगा मेन्यू जो है ना, मुझे वो ऐड करना है। देखिए, इसमें बाय डिफॉल्ट जो आता है ना वो वर्डप्रेस मेन्यू आता है, आपको ये वाला मेन्यू नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये वाला मेन्यू जो है ना, ये वाला मेन्यू आपको यहाँ पे ऐसे नहीं मिलेगा। ये वाला मेन्यू आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पर एलिमेंटर में जाएंगे। एलिमेंटर में जाने के बाद यहाँ सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद फीचर्स में जाना है। फीचर्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे देखना है मेन्यू का ऑप्शन होगा, इसको आपने एक्टिवेट कर देना है, एक्टिव कर देना है। ये एक्टिवेट करने के बाद आपने नीचे जाके सेव करना है। सेव चेंजेस करोगे तो आपके पास ये वाला मेन्यू आना शुरू हो जाएगा। अब करना क्या है, ये वाला मेन्यू को यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ। ये देखें, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब आपको कहाँ पर, किस वाले मेन्यू पर मेगा मेन्यू शो करना है वो आपको सिर्फ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट वाले को ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं टेस्ट लिख देता हूँ, टेस्ट वन, टेस्ट टू, बल्कि मेन्यू कितना ही शो करवा देता हूँ ना मैं आपको। कार्स, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको ये बना के दिया है ताकि थोड़ा इजी रहे समझने के लिए, ठीक है। अब मैं इसको करने के बाद यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे ऐड कंडीशन लगा देता हूँ मैं, जो पूरी साइट पर जाइए, या मुझे एक पर्टिकुलर सिर्फ कैटेगरीज के पेज पे चाहिए या सिंगल किसी पेज के ऊपर चाहिए, तो वो आप यहाँ पे जाके चूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पेज के ऊपर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल फ्रंट पेज पे मेरे को दिखे। ये करने के बाद सेव एंड क्लोज, और मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करता हूँ तो ये मेरा मेन्यू आ रहा है। अब देखिए, ये मेगा मेन्यू नहीं है। मेगा मेन्यू बनाने के लिए अब हमें इस पर जादू करना पड़ेगा। वो यहाँ पर मेन्यू में आया मैं, यहाँ पे आने के बाद ड्रॉप डाउन कंटेंट पे क्लिक करना, सिंपल। ये करने के बाद अब आपको, अब जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आपको एक मेन्यू दिखेगा। पहले मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करके आपको फ्रंट पे भी दिखा देता हूँ। अब देखें, यहाँ पे दिख रहा है फ्रंट पे। अभी इसमें कुछ है ही नहीं, ऐड ही नहीं है, तो यहाँ पे दिख भी नहीं रहा। बल्कि अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, कुछ ना कुछ ऐड करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको, मैंने प्रेस किया, क्लिक करने के बाद इसके अंदर मैं चार कॉलम ले लेता हूँ। ये आपके ऊपर है, आप जितने मर्जी कॉलम लें, दो कॉलम लें, तीन कॉलम लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। यहाँ पे आने के बाद मैं, पर मैंने कार्ड्स करा, मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ। यहाँ पे ये लेने के बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक हेडिंग ले लेता हूँ। मेगा मेन्यू इसके ऊपर बनाना ना, एलिमेंटर के ऊपर बहुत आसान है। कार्स, और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए कार्स की कोई इमेज ले लूंगा मैं। यहाँ पे इमेज ऐड करूंगा। अब मैं इसको यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ये देखो कैसी लग रही है ना, क्लास की गाड़ी। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे गया मेन्यू में, आने के बाद मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी ले ली। पिक्चर लेने के बाद इसकी मैंने हाइट भी मैक्स विड्थ कर दी,
और विद भी मैक्स विद कर दिए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जो है मैंने यहाँ पे कंटेंट कर दिया। ठीक है जी, ये करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मेरा मेन्यू जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है जी, अब मैं अगर आप चाहते हो इसको थोड़ा सा अलाइन वगैरह करना, साइड पे करना, वो आप यहाँ से आके कर सकते हो सेटिंग में जाके। तो वो आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लोगे तो ये आप अपना अच्छा खूबसूरत सा मेन्यू पर डिज़ाइन कर सकते हो। इसी तरीके से आप प्रॉपर्टी फॉर सेल में भी इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, उससे आप अपना मेन्यू जो है डिज़ाइन कर सकते हो। इसी तरीके से आप ये सारे मेन्यू बनाओगे और आपका एक कंप्लीट मेगा मेन्यू बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, इंशाल्लाह ताला मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।